आज की वीडियो में हम डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, कमीशन किसे कहते हैं, लोन किसे कहते हैं, एंट्री किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं। तो ये आज हम सारे टॉपिक शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापारी जिस फार्म या संस्था से माल खरीदता है और उसको पैसा चुकाता है तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। जिससे भी हम माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। जैसे कि हमने किसी भी फार्म या संस्था से माल खरीदा तो जो सामने वाली संस्था है हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए डेबिटर्स को समझ लेते हैं। डेबिटर्स हिंदी मीनिंग होता है इसका देनदार। व्यापारी जिस व्यापार फार्म या संस्था को उधार माल बेचता है, अर्थात जिससे व्यापारी को कैश प्राप्त करना होता है, उसे डेबिटर्स या लेनदार कहते हैं। जब संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है या संस्था किसी को कोई धन राशि देती है, इस प्रकार वह बाहरी व्यक्ति उसका ऋणी या देनदार बन जाता है। देनदार वह होता है जो हमें पैसे चुकाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि हमारी कोई कंपनी है, हमने कंपनी में किसी व्यक्ति को पैसे दिए या माल दिया, ठीक है, तो वो क्या जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा देनदार बन जाता है, मतलब वो हमको वापस देगा, तो उसको क्या कहते हैं हम डेबिटर्स। ठीक है, तो हम क्या हमने जो भी उसको पैसे दिए, कैश दिए, माल दिया, ठीक है, तो जिसको भी हमने दिया वो हमारे लिए डेबिटर्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्लोजिंग स्टॉक को समझ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में अंतिम रहस्यता कहते हैं। किसी व्यापार में जब निश्चित अवधि अथवा प्रत्येक ट्रेंडिंग वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष बच जाता है उसे हम अंतिम क्लोजिंग स्टॉक या रहस्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि जो भी हम एक साल में, मतलब एक साल में जितना भी माल हमारा बिक गया और बाकी का जो भी माल बच जाता है हमारे पास, ठीक है, तो हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जो भी माल हमारा एक साल, मतलब एक निश्चित अवधि में जो बच गया बिकने से, वो हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ओपनिंग स्टॉक समझ लेते हैं। इसको हिंदी में प्रारंभिक रहस्यता कहते हैं। नवीन वर्ष के प्रारंभ में जो माल पिछले वर्ष का बचा हुआ होता है वह ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है तब वर्ष में कोई प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये समझिए दोस्तों कि जैसे कि हम नया साल आ गया, ठीक है, अब न्यू ईयर आ गया, तो उसपे हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वापस, ठीक है, तो जो पिछले साल का हमारा माल बच गया था वो इस साल यूज कर रहे हैं हम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब नई कंपनी बनाएंगे टेली में वापस, तो ठीक है, जो पिछला वर्ष का माल बच गया था वो हम फिर वापस यूज कर रहे हैं, तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब हम कमीशन को समझ लेते हैं। माल की मात्रा के आधार पर खरीद के समय माल की कीमत पर दी गई डिस्काउंट को कमीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति ज्यादा माल खरीदता है या कुछ भी करता है, ज्यादा सामान लेता है, तो हम उसको एक डिस्काउंट देते हैं, उसी डिस्काउंट को हम कमीशन कहते हैं। अब हम लोन को समझ लेते हैं। लोन को हिंदी में ऋण कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अन्य व्यक्तियों अथवा वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेता है। ऐसी उधार ली गई राशि को हम ऋण या लोन कहते हैं। यदि व्यापार को प्रारंभ करते समय धन राशि की कमी को उधार लेकर पूरा किया जाता है तो ऐसी राशि को हम कैपिटल नहीं कहते हैं, उसे हम ऋण ही कहते हैं, अर्थात लोन ही कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये समझे दोस्तों कि जब भी हम व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमको व्यापार में पैसों की आवश्यकता है तो हम किसी व्यक्ति या संस्था से उधार माल लेते हैं या पैसे लेते है, तो उसी को हम लोन कहते हैं। हम इसको कैपिटल नहीं कह सकते क्योंकि यह हमारा लोन है, हमने किसी व्यक्ति से लिया है, हमको वापस चुकाना होता है, इसलिए हम इसको पूंजी या कैपिटल की संख्या नहीं दे सकते है। तो ठीक है दोस्तों, लोन
आप समझ गए होंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एंट्री को समझ लेते हैं। लेन देन को हिसाब की पुस्तक में लिखना ही एंट्री कहलाता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब हम कोई भी हिसाब को बुक में लिखते हैं तो उसे हम एंट्री कहते हैं। बुक या कंप्यूटर में किसी भी हम लिखो आप उसको एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो हिसाब किताब को लिखना ही एंट्री कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एसेट्स समझ लेते हैं। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तु होती है जो व्यापार चलाने के लिए आवश्यक होती है, इन वस्तुओं को व्यापार की संपत्ति कहा जाता है, जैसे भवन, यंत्र, उपकरण, फर्नीचर आदि। तो दोस्तों सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब भी हम व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यापार को चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है, जैसे फर्नीचर होता है, यंत्र होता है, फर्नीचर होता है, भवन होता है, जो भी वस्तु हम व्यापार के लिए आवश्यक होती है वो हम उसमें लगा रहे हैं, तो उसको हम संपत्ति या एसेट्स कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लायबिलिटीज को समझ लेते हैं। लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व या देयता कहते हैं। वह सभी राशि जो व्यवसाय के द्वारा किसी व्यक्ति को देना शेष है, अर्थात जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है, उसकी अवधि पास आ चुकी है परंतु अभी पेमेंट नहीं किया है, वह राशि संस्था के लिए लायबिलिटीज होती है। उदाहरण के लिए जैसे किसी से उधार माल लिया हो या फिर किसी से ऋण लिया हो। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि जैसे कि हमने किसी व्यक्ति से उधार पैसे लिया है, उधार माल लिया है, अब उसको देना है, उसकी अवधि पास में आ चुका, मतलब समय पास में आ चुका है कि इतनी तारीख को हमको देना है, तो वह हमारी जिम्मेदारी कहलाएगी या लायबिलिटीज कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटीज को हम जिम्मेदारी भी कहते हैं, दायित्व भी कहते हैं और देयता भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, आशा करता हूं मैं आप सब कुछ समझ रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार आप हमारी वीडियो चाहते हो, टेलीग्राम कोर्स अच्छे से सीखना चाहते हो वो भी फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक करने सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है, जिससे हमको मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए शानदार इसी प्रकार वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और न्यू टॉपिक के साथ।